सो दोस्तों नमस्कार। और हम लोग आज अभी एस्कॉर्ट्स के नंबर्स के बारे में बात करेंगे। और एस्कॉर्ट्स के नंबर आ चुके हैं, क्वार्टरली नंबर्स हैं सितंबर तिमाही के। और यहाँ पर ये इनका जो आज हमने डाउनलोड किया है शीट, जिसमें कि इन्होंने अपने नंबर्स के बारे में बताया। 31 अक्टूबर 2018 हैज़ अप्रूव्ड द अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट प्रोविजनल फॉर द क्वार्टर एंड द हाफ ईयर एंडेड 30 सितंबर 2018 एंड द लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट दियर ऑन। ठीक है, तो इसमें क्या है, अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट है, प्रेस रिलीज एंड अर्निंग प्रेजेंटेशन है, जो कि अर्निंग मतलब इन्होंने की है उसकी प्रेजेंटेशन। 11:25 से मीटिंग स्टार्ट हुई थी और कंक्लूडेड हुई थी 1:07 पर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी कि क्या है इसमें आज। एस्कॉर्ट्स के अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंड द 6 मंथ्स एंडेड सितंबर 30, 2018। बहुत ही ब्रीफ में शॉर्टली बात करेंगे, स्पेशली बस खास चीज़ों पर। रिवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस लगभग 1398 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू रहा है कंपनी का सितंबर 2018 में। और सितंबर 2017 में कंपनी का लगभग 1211 करोड़ रुपए का रिवेन्यू रहा था, 1212 करोड़ रुपए का मान लीजिए आप रिवेन्यू रहा था। तो वहाँ से लगभग आप मान के चलिए कि लगभग 186% के आसपास, 186 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू कंपनी का इंक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर ग्राउंड पे पिछले सितंबर के मुकाबले करंट सितंबर में। उसके अलावा अगर हम जून क्वार्टर से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, इनका टॉप लाइन नीचे की तरफ आया है। 1511 करोड़ से घट के 1398 करोड़ इनका नेट सेल्स रह गया है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर डिक्लाइन हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स वगैरह की, तो जहाँ पिछली बार 757 करोड़ का मटेरियल यूज़ हुआ था, वहीं इस बार 1003 करोड़ के आसपास का मटेरियल कंज्यूम हुआ है। और जून क्वार्टर में लगभग 1016 करोड़ के आसपास का मटेरियल कंज्यूम हुआ था। ओके, कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो भी मटेरियल कंज्यूम हुआ था उसका ये हमने बताया आपको। साथ ही प्रॉफिट्स पे आते हैं सीधे हम लोग, कंपनी को क्या प्रॉफिट्स है। बाकी चीज़ें तो डीप एनालिसिस वाली चीज़ें हैं और आप उसको समझ भी नहीं पाएंगे। खैर, अभी हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअल में कंपनी की सेल्स क्या रही और प्रॉफिट्स क्या रहे। तो सेल्स मैंने आपको बताई, लास्ट जून में 1211 करोड़ की सेल्स थी, इस बार 1398 करोड़, लगभग 186 करोड़ के आसपास की सेल कंपनी की इंक्रीज़ हुई। उसके अलावा कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहा, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एक्सेप्शनल आइटम की। एक्सेप्शनल आइटम की बात करते हैं, लास्ट ईयर लगभग 6 करोड़ 87 लाख का एक्सेप्शनल आइटम था जो इनको अर्निंग हुई थी। इस बार कोई भी एक्सेप्शनल अर्निंग नहीं है। ओके, इसके अलावा अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो तकरीबन 77 करोड़ 55 लाख का इनका पिछली बार प्रॉफिट था। 77 करोड़ 55 लाख का प्रॉफिट था कंपनी का लास्ट जून सितंबर 2017 में। जबकि सितंबर 2018 में जो है कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है सितंबर 2018 में, वो रहा है लगभग 1027 करोड़ के आसपास का। पिछली बार 77 करोड़, जस्ट अ मोमेंट, 102 करोड़ का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पिछली बार 77 करोड़ का प्रॉफिट था, मुनाफा था एस्कॉर्ट्स का सितंबर तिमाही में। और इस बार 102 करोड़ का, यानी कि लगभग आप समझ लीजिए कि 25 करोड़ के आसपास का मुनाफा इंक्रीज़ हुआ है। 25 करोड़ इज़ अ गुड अमाउंट जो कि इस बार इंक्रीज़ हुआ है। साथ ही साथ जून क्वार्टर में अगर बात करते हैं तो लगभग 120 करोड़ का मुनाफा था, जहां से थोड़ा सा प्रॉफिट गिरा है, लगभग 18 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कम हुआ है जून क्वार्टर के मुकाबले। ओके, तो क्योंकि सेल्स भी डिक्रीज़ हुई है एज़ कम्पेयर टू जून, सेप्टेम्बर क्वार्टर में सेल्स भी घटी है तो प्रॉफिट भी घट गया। बट अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि सितंबर तिमाही में जो पिछले साल बिजनेस हुआ था, इस बार सेम सितंबर तिमाही में कैसी डिमांड रही, कैसा बिजनेस रहा, तो वो अच्छा रहा। और 27 करोड़ का मुनाफा इंक्रीज़ हुआ है कंपनी का पिछले सितंबर के मुकाबले। उसके अलावा अगर आप ईपीएस की बात करते हैं तो जहां पिछली बार 6.49 का ईपीएस था बेसिक ईपीएस, वही 8.60 का बेसिक ईपीएस कंपनी का रहा है। सो ओवरऑल नंबर्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी ने अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं। इसके अलावा हम लोग आते हैं एसेट क्वालिटी की। अगर आप बात करते हैं तो आप एसेट क्वालिटी भी देखेंगे, कंपनी की एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, जहाँ पर 2105 करोड़ के आसपास की टोटल करंट एसेट क्वालिटी थी, वो अब 2529 करोड़ के आसपास की एसेट्स हो गए हैं। सो एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है कंपनी की। इसके अलावा हम लोग और आते हैं यहाँ पर, इनके जो सेगमेंट रिवेन्यूज़ हैं, एग्री मशीनरी प्रोडक्ट्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, रेलवे इक्विपमेंट्स, अनअलॉटेड। तो अगर आप देखेंगे एग्री मशीनरी में, तो जहाँ 973 करोड़ के आसपास की टोटल पिछली बार सेल्स थी एग्री प्रोडक्ट की, वो इस बार 1043 करोड़ की हो चुकी है, जहाँ पिछली बार कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 165 करोड़ की सेल थी वो अब बढ़कर लगभग 249 करोड़ की पहुंच चुकी है। रेलवे इक्विपमेंट में जहाँ पिछली बार 73 करोड़ की सेल थी वो इस बार 105 करोड़ की हो चुकी है। सो ओवरऑल तीनों ही सेगमेंट में, चाहे वो एग्री बिजनेस हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस हो, चाहे वो रेलवे इक्विपमेंट हो, तीनों ही फील्ड्स में जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल्स इंक्रीज़ हुई है और काफ़ी अच्छी सेल इंक्रीज़ हुई है, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, इसके अलावा अब हम आपको दिखाते हैं कि हाँ यहाँ पर है रिवेन्यू फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। तो जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन 1211 करोड़ का था सितंबर 2017 में और यहाँ पर 1398 करोड़ का, लगभग 186 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का बढ़ा है। और ये एक अच्छी बात है कंपनी के साथ कि कंपनी का रेवेन्यू एक अच्छे लेवल के साथ बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है, तीनों ही सेगमेंट बढ़ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में भी डिमांड बढ़ रही है, एग्री सेगमेंट में भी डिमांड बढ़ रही है, एंड जो थर्ड इनका सेक्टर है रेलवे इक्विपमेंट उसमें भी इनकी डिमांड्स और इनकी सेल्स जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। ये इनके ऑडिटर्स हैं रॉकर चंडियाद एंड कंपनीज LLP, ये इनके जो भी आपके ऑडिटर्स कहते हैं उनके ऑडिटर्स की रिपोर्ट है ये। इसके अलावा अगर हम इनके जो प्रेजेंटेशन है एस्कॉर्ट्स के Q2 नंबर्स की वो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। प्रॉफिट Q2 का लगभग 32.5% अप हुआ है, 102 करोड़ पहुँच चुका है प्रॉफिट। ठीक है, ट्रैक्टर वॉल्यूम अप हुआ 3.3% 21,039 यूनिट पे। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वॉल्यूम अप हुआ 36.9%, काफ़ी ऊपर चला गया, 1,331 यूनिट्स। एबिटा अप बाई 11.7% 157.5 करोड़ एंड प्रॉफिट अप बाई 32.5 करोड़ 102.7 करोड़। ओके, सो ये इनका प्रॉफिट्स रहा था। एस्कॉर्ट लिमिटेड टुडे रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 102 करोड़ 2.7 करोड़ इन द क्वार्टर एंडिंग September 30, 2018, up by 32.4% as against a profit of the rupees 77.6 crore in the corresponding period last fiscal. Revenue from the operations up by the 15.4% to the 1398.4 crore in a quarter ended September 18 as against 1211.7 crore in the corresponding period last fiscal. Okay. इसके अलावा आप देखेंगे Q2 हाईलाइट्स पर और H1 हाईलाइट्स पर देखते हैं, ट्रैक्टर वॉल्यूम 3.4% अप हुआ है Q2 में। और अगर हम इस H1 की बात करते हैं, सितंबर छपाई की बात करते हैं, तो ट्रैक्टर वॉल्यूम लगभग 20% अप हुआ है। कंस्ट्रक्शन वॉल्यूम 36.9% अप हुआ है Q2 में, केवल सितंबर तिमाही में। और H1 में बात करते हैं, अगर सितंबर छमाही की बात करते हैं तो 44% कंस्ट्रक्शन वॉल्यूम अप हुआ है। रेलवे का जो रेवेन्यू है वो 44.5% सितंबर तिमाही में ही अप हुआ है, जबकि अगर हम छमाही की बात करते हैं सितंबर छमाही की, तो लगभग 40% रेवेन्यू रेलवे की तरफ से इनका अप हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशंस 15.4% सितंबर तिमाही में अप हुए हैं, जबकि 22.5% सितंबर छमाही में, ऑलरेडी अब 6 महीने में 2 क्वार्टर में हो चुके हैं। अब नेट प्रॉफिट 32.5% अप हुआ है सितंबर तिमाही में, जबकि 59.3% लगभग 60% का प्रॉफिट इस हाफरली में ऑलरेडी अप हो चुका है कंपनी का। 223 करोड़ का मुनाफा कंपनी को इस तिमाही में ऑलरेडी हो चुका है। EPS 32.5% अप है, मतलब 8.6 का EPS है सितंबर क्वार्टर में, जबकि अगर हम हाफरली की बात करते हैं सितंबर छमाही की, तो लगभग 60% का EPS है 18.79 का। यानी कि पिछली बार आप मान के चलिए 8.6 के आसपास का, 8.6 से 9 के बीच का इनका लगभग 12 के आसपास का इनका EPS था लास्ट ईयर सितंबर छमाही में, जो कि अब 18.70% के आसपास पहुंच चुका था। लगभग 60% इनका EPS भी इंक्रीज़ हुआ है। ओके, इसके अलावा अगर हम कुछ और डेटाज भी रहेंगे उसको भी हम लोग एक बार देखते हैं। यहाँ पर है एस्कॉर्ट्स की एग्री मशीनरी ट्रैक्टर सेल्स वर अप बाय 3.3% एट द 29,039 यूनिट्स ड्यूरिंग द सेकेंड क्वार्टर ऑफ द करंट फिस्कल। मतलब जो दूसरा क्वार्टर है Q2 का सितंबर तिमाही में, उसमें जो वॉल्यूम है 21,039 यूनिट्स बिकी हैं इनकी, और 3.3% का वॉल्यूम अप हुआ है सेल्स का। EBIT मार्जिन फॉर द क्वार्टर एंडेड सितंबर 2018 अप बाई 14.7% इनका EBIT अप हुआ है एज कम्पेयर टू दी 13.7 इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड फॉर द लास्ट फिस्कल। ठीक है, द फर्स्ट हाफ ऑफ द करंट फिस्कल ट्रैक्टर वॉल्यूम अप हुआ 20.2% 45,533 यूनिट्स को इन्होंने सेल किया है पिछले 6 महीने में एज कम्पेयर टू द करस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट फिस्कल, पिछले लास्ट फिस्कल के मुकाबले। EBIT मार्जिन फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिस्कल अप एट 14.4% एज कम्पेयर टू 12.3% इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट फिस्कल। तो ये एग्री बिजनेस, एग्री मशीनरी के लिए था। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए 36.9% एट 1331 यूनिट्स इनकी सेल हुई हैं, जबकि लास्ट ईयर केवल 972 यूनिट्स ही इनकी सेल हुई थी, यानी कि 36% अप्रॉक्सीमेटली 37% जो इनका वॉल्यूम अप हो चुका है। उसके अलावा एबीआईटी मार्जिन जो है वो 0.7% अप हुआ है पिछली बार 0.5% के मुकाबले, ठीक है, लास्ट फिस्कल में। उसके अलावा अगर हम हाफरली की बात करते हैं तो वॉल्यूम इनका 44% अप हुआ है सेल्स का। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का 2676 यूनिट सेल हुई हैं जब एज कम्पेयर टू द लास्ट सितंबर छमाही। एबीआईटी मार्जिन फॉर द फर्स्ट हाफ फॉर द फिस्कल 1.6% एज कम्पेयर टू द नेगेटिव पॉइंट। पहले पिछली बार जो था इनका जो EBIT मार्जिन था वो माइनस के 0.8% था, अब की बार प्लस का 1.6%, तो काफ़ी एकदम माइनस से प्लस में और दुगना हो चुका ऑलरेडी। रेलवे प्रोडक्ट्स का भी आपको 44% अप हुआ है, 105.9 करोड़ का रेवेन्यू इनका जनरेट हुआ है, ठीक है, एज अगेंस्ट 73.3 करोड़ के आसपास। तो शानदार रहा है, रेलवे में भी ये लोग अब एंट्री कर रहे हैं और एक अच्छे तरीके से इनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। उसके अलावा जो अगर हम फर्स्ट हाफरली में बात करते हैं तो 40% अप हुआ, लगभग 194 करोड़ का प्रॉफिट रेलवे डिवीज़न से आया है जो कि पिछली बार के मुकाबले 40% अप है। सो ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, तीनों ही सेगमेंट में कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा अगर ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो सितंबर 18 तक कंपनी के पास लगभग 400 करोड़ से ज़्यादा की ऑर्डर बुक है जिसका एग्जीक्यूशन नेक्स्ट 12 to 13 मंथ में हो जाएगा। सो ओवरऑल जब ये 400 करोड़ का ऑर्डर कंप्लीट होगा तो इसके प्रॉफिट्स भी आपको अपकमिंग 6 से 12 महीने के अंदर बैलेंस शीट में अपडेटेड होते हुए दिखाई देंगे। द रिव्यूड अकाउंट ऑफ द सेकंड क्वार्टर एंड द फर्स्ट 6 month एंडेड 30 September 2018 हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, ओके। इसके अलावा आप यहाँ पर अर्निंग्स का भी देख सकते हैं, Q2FY19 अर्निंग प्रेजेंटेशन, यहाँ पर आप ये BSE की साइट से जाके इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डोमेस्टिक ट्रैक्टर इंडस्ट्री ओवरव्यू क्वार्टर, अगर जून क्वार्टर का करस्पॉन्डिंग बात करेंगे तो जो सितंबर क्वार्टर उसमें जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री उसकी सेल्स डिक्लाइन हुई है। हाफियरली की बात करेंगे तो ज़बरदस्त उछाल आया, 3.7 से 4.1 यानी कि 10% का अपमूव आ चुका है। आप पिछली हाफरली 17 की और हाफरली 18 की दोनों को मिला के अगर करस्पॉन्डिंग करते हैं हम लोग। सो YoY डोमेस्टिक इंडस्ट्री डाउन बाई 2.6%, ओके, इन द Q2FY19 के अंदर। Q2FY19 में ये रहा डोमेस्टिक इंडस्ट्री घटी है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर, ओके। सितंबर 18 में अगर पिछली बार देखेंगे तो 1.91% था, आपकी बार 1.85% है, ओके। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सर्व कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इक्विपमेंट, पिछली बार जो क्यू था क्वार्टर था 10% का था, आपके 14.2% है। सर्व्ड इंडस्ट्री बैकहो लोडर्स PNC एंड कंपैक्टर्स वेंट अप बाई 41.2% Q2FY19, ठीक है, ये Q2FY19 में ऊपर गए हैं इनके। तो ये आपको सारा डेटा दिखाया जा रहा है यहाँ पर, इस शीट को आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ट्रैक्टर वॉल्यूम है ये 3.4% अप है, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन वॉल्यूम है 36.9% अप है आपका, ठीक है। उसके अलावा रिवेन्यूज़ की बात करेंगे आप तो जहाँ पर 15.4% इनका रिवेन्यू अप हुआ है 1398 करोड़ के आसपास। साथ ही अगर एबिटा देखेंगे वो भी ऊपर चढ़ रहा है, एंड नेट प्रॉफिट, EPS, एवरीथिंग इज़ लुकिंग गुड। और मुझे लगता है कि जो काउंटर है ये आगे अच्छा परफॉर्म दे सकता है, लगभग 650 645 के लेवल पर इस काउंटर के रेजिस्टेंस लेवल है। एक बार 650 का लेवल हिट होता है, क्रॉस होता है ऊपर की तरफ वीकली चार्ट पे, देन डेफिनेटली 750 रुपीज़ का लेवल हमें अगले 6 महीने के अंदर एस्कॉर्ट्स में देखने को मिल सकता है। सो ये एस्कॉर्ट्स के बारे में है, इसकी पूरी डिटेल शीट काफ़ी लंबी है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं एंड उसके बाद जो बेस्ट वे होगा उसमें आप निवेश कर सकते हैं। सो गाइज ये हमने बात की एस्कॉर्ट्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो कि एक बेसिकली ट्रैक्टर इंडस्ट्री का स्पेशली बिजनेस करते हैं ये लोग। इनका मेन कोर जो प्रोडक्ट है वो है ट्रैक्टर। उसके अलावा ये लोग कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में भी हैं, रेलवे में भी ये लोग अपनी काफ़ी अच्छी सेल्स परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सो ओवरऑल काउंटर इज़ लुकिंग वेरी गुड, काफ़ी करेक्ट हो चुका है, लगभग 1000 रुपीज़ से करेक्ट होते होते काउंटर ने लगभग 550 के आसपास का टारगेट दिखाया आप सभी लोगों को वेरिश मार्केट में, एंड फिलहाल अभी काउंटर 627 की रेंज में चल रहा है। तो यहाँ तो मुझे लगता है कि अगले एक हफ्ते में 10 दिन के अंदर काउंटर आपको 650 तक के लेवल दिखा सकता है। एक बार 650 के ऊपर की क्लोजिंग आती है, 655 के ऊपर की क्लोजिंग आती है, देन आपको इस काउंटर में लगभग 700 प्लस के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं अगले 3 से 4 महीने के लिए। और अगर आप लोग 6 से 8 महीने के लिए रोक सकते हैं देन काउंटर डेफिनेटली आपको लगभग 750 के टारगेट्स दिखा सकता है। सो दोस्तों हमने बात किया एस्कॉर्ट्स के बारे में, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसमें अपनी एनालिसिस करेंगे सो दैट कि आपको भी और बेटर इन्फॉर्मेशन, बेटर नॉलेज गेन हो जाए इस काउंटर के बारे में और आप सही तरीके से सही लेवल्स पर निवेश कर पाएँ। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करेंगे, कुछ और काउंटर्स के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में देखेंगे, कुछ और नए स्टॉक्स को फाइंड आउट करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे किन लेवल्स पर आपको खरीदना है जहाँ पर आपको बेस्ट टू बेस्ट प्रॉफिट मिलने वाला है। So thank you friends, thank you very much.